शिवपुरी जिले के पिछोर के जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उक्त घटना के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोलीकांड की घटना में 10,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर द्वारा प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने की घोषणा की थी। घोषणा करते ही SDOP प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुए संदेह आरोपियों के मोबाइल नंबर की CDR के आधार पर साइबर सेल की मदद से एक मुखबिर की सूचना से प्रकरण के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, ग्राम बदरवास के पास में एक घटना घटित होती है, उसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या पूरा मामला है? ये दिनांक 5 नवंबर 2024 को ग्राम बदरवास के पास उमरी कला निवासी अंकित रोधी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो परिजनों की रिपोर्ट पर से शिवम लोधी, सुनील लोधी और उसके 4 अज्ञात साथियों के विरुद्ध पुलिस ने हत्या का प्रयास और अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किए और पुलिस ने लगातार तफ्तीश शुरू करी। अलग अलग टीमें बनाई गई और संदेहियों की तलाश की गई। मुखबिर सूचना पर से घटना में जो शामिल थे वो तकरीबन 7 से 8 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से अशोक लोधी और सपना लोधी को आज किशोर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने ये बताया कि सुनील का और मृतक अंकेश का पुराना जमीनी विवाद चला आ रहा था, जिस पर से सुनील ने अपने साथियों जिनके नाम शिवम लोधी, वीरेन लोधी, मुकेश लोधी, ब्रजेश लोधी, संजीव लोधी, अशोक लोधी और सपना लोधी को घटना में शामिल होने के लिए उनसे बातचीत की। उनसे कहा कि हमको अंकेश से बदला लेना है, आप हमारा सहयोग करो। तो घटना वाले दिन शिवम लोधी और वीरेन लोधी, जो कि चरगांव का रहने वाला है, उसने मौके पर घटना को पारित किया और जो अन्य साथी थे वो अलग अलग जगह से लगातार लोकेशन दे रहे थे और घटना पर नजर बना रहे थे। इसी क्रम में आज दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें मुख्य आरोपी कौन था? इसमें मुख्य आरोपी सुनील लोधी है और बाकी सारे उसके सारे साथी है। कुल कितने आरोपी हैं घटना में? अभी तक 8 आरोपियों के नाम सामने आए, जिनमें से पुलिस ने 2 आरोपी आज गिरफ्तार कर लिए। अभी आज जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं सर, वो कहाँ से गिरफ्तार किए हैं? ये पुलिस ने मुखबिर सूचना पर से आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हम अन्य आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।